जाड़े का दिन चला गया, रख दो अब राजाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। शिक्षक ने डांटा है हमको, मारी है बड़ी मार, वृत्त की परिधि होती है देखो 2π गुना आर। अभिनंदन है आप सभी का मेरे अनोखी पाठशाला चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति के सूत्र याद करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका बतलाऊंगा, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग कविता, गाने, शेरो शायरी आदि में रुचि जरूर रखते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी को माध्यम बनाते हुए आपको क्षेत्रमिति का कुछ सूत्र याद कराया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। क्षेत्रमिति के सूत्र सभी रटने से हो आजाद, आज से सारे सूत्र हो जाएंगे तुम्हें याद। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे याद करेंगे? जाड़े का दिन चला गया, रख दो अब राजाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जाड़े का दिन चला गया, रख दो अब राजाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र देखेंगे। शिक्षक ने डांटा है हमको, मारी है बड़ी मार, वृत्त की परिधि होती है देखो 2π गुना आर। अब बेलन के आयतन का सूत्र देखते हैं। बिना पढ़ाई परीक्षा होगी कैसे, फंसा हुआ है पेंच, बेलन का आयतन होता है π r² गुना h। अब गोले के आयतन का सूत्र देखते हैं। साइकिल चलती ऐसे नहीं, लगता है उसमें ट्यूब, साइकिल चलती ऐसे नहीं, लगता है उसमें ट्यूब, गोले का आयतन होता है 4/3 गुना π r³। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। न बस न कार न चलती यहाँ पे रेल, न बस न कार न चलती यहाँ पे रेल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है π r₁। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। विद्यालय के सहपाठी सब होते हैं बहन और भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। विद्यालय के सहपाठी सब होते हैं बहन और भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। बल्ब अगर जलाना हो तो जोड़ते हैं उसमें वायर, बल्ब अगर जलाना हो तो जोड़ते हैं उसमें वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है देखो पाई गुना r²। अब घनाभ के आयतन का सूत्र समझते हैं। घनाभ का आयतन नहीं आता पूछ लो अपने भाई से, वो भी अगर नहीं बताए तो लंबाई चौड़ाई में गुना कर दो ऊंचाई से। घनाभ का आयतन नहीं पता तो पूछ लो अपने भाई से, अगर वो भी न बतलाए तो लंबाई चौड़ाई में गुना कर दो ऊंचाई से। वैसे अगर चाहूँ मैं तो लिख दूँ कुछ और ही ज़्यादा, किंतु एजुकेशनल चैनल की होती है अपनी मर्यादा। इस तरह से ये कुछ सूत्र हैं जिन्हें पंक्तिबद्ध करके आपको बतलाया गया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें।